आज 30/4/2020 सुबह की शुरुआत बहुत ही दुखद खबर से होती है। कल इरफान खान गुजर गए और आज सुबह पता चला कि वेटरन एक्टर ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में अब गुजर गए। ये महान एक्टर 2 साल से कैंसर से लड़ रहे थे। उन्होंने अमेरिका जाके अपना इलाज भी करवाया था पर कोई फायदा साबित नहीं हुआ। उनकी डेथ के बारे में पीटीआई को उनके भाई रणधीर कपूर ने कंफर्म किया। ये न्यूज को कंफर्म किया है अमिताभ बच्चन ने ट्विटर अकाउंट पे। उन्होंने कहा है, ही गॉन, ऋषि कपूर गॉन, जस्ट पास्ड अवे, आई एम डिस्ट्रॉयड। अपने कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद वापस इंडिया आके उन्होंने एक बेहतरीन थ्रिलर फिल्म बॉडी में काम किया था, जिन्होंने और आने वाले समय में वो हाउसफुल 5 जो एक एंटरटेनिंग फ्रेंचाइज है उसमें भी काम करने वाले थे। इस महान एक्टर की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, पर जो भी मॉडर्न जनरेशन ना जानती हो, ये रणबीर कपूर के पिता है और उनकी आज की मॉडर्न फिल्में के बारे में बताया जाए तो द बॉडी, मुल्क, पटेल की पंजाबी शादी, कपूर एंड सन, सनम रे, बेवकूफिया, डी डे, जब तक है जहां, हाउसफुल 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अग्निपथ जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। और उनकी क्लासिक फिल्मों की बात की जाए तो उन्होंने मेरा नाम जोकर, अमर अकबर एंथनी, लैला मजनू, रफू चक्कर, सरगम, कर्ज, बोल राधा बोल, बॉबी, चांदनी जैसी क्लासिक फिल्मों में अपना जौहर दिखाया है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे मैसेज दिया है, दिस इज अ टेरिबल वीक फॉर इंडियन सिनेमा विथ द पासिंग ऑफ अनदर लेजेंड एक्टर ऋषि कपूर, अ वंडरफुल एक्टर विथ अ ह्यूज फैन फॉलोइंग अक्रॉस जनरेशन, ही विल बी ग्रेटली मिस्ड, माय कंडोलेंस टू हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ ग्रीफ। ऋषि कपूर हमेशा हमारे दिलों में राज करते रहेंगे। वेलकेयर फैमिली और पूरी दुनिया का सल्यूट है इस महान एक्टर को। God bless him and rest his soul.